रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के पीपीगंज के नए विकासखंड भरोइया का विधिवत भूमि पूजन करने के पश्चात शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्य के ग्राम विकास मंत्री महेंद्र सिंह, कैंपियरगंज के विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह, पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह, खजनी के विधायक संत प्रसाद, पार्टी के जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला, क्षेत्रीय मंत्री कामेश्वर सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, मंडलायुक्त अनिल कुमार, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसके पश्चात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत उन्हें पौधा भेंट कर किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर पीपीगंज के नए विकासखंड भरोइया का शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए भूरी भूरी प्रशंसा की। समारोह को संबोधित करते हुए ग्राम विकास महेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र में मोदी और राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर अग्रसर हो रहा है। पीपीगंज में नए विकास खंड होने से यहाँ पहले से भी ज्यादा विकास होगा, जिसका फायदा यहाँ के ही लोगों को होगा। पीपीगंज के लोगों को विकास के लिए आगे आकर अपना योगदान देना चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस गांव के विकास के लिए पीपीगंज के ग्राम पंचायतों को सरकार द्वारा पर्याप्त धन दिया जा रहा है। ग्राम प्रधान उस धन का उचित उपयोग करते हुए यहाँ का विकास करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार देश के विकास के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर उन्हें एक बड़ी सौगात देने का काम किया है। ग्राम पंचायत सरकार की योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाकर उन्हें लाभ दिलाने का काम करें। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गांव के विकास में सभी की भूमिका होनी चाहिए। यहाँ के नागरिकों का कर्तव्य है कि वो अपने गांव की साफ सफाई कर उसे स्वच्छ बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को प्रदेश भर में ध्वजारोहण के बाद लोग भारी मात्रा में पौधारोपण करें। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के रोजगार के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है, जिसके तहत प्रदेश में 50,000 और पुलिस की भर्तियां जल्द ही की जाएंगी। और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा इस भरोइया से पंचायत का शुभारंभ होने जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब कभी इसके पहले भी हम लोग विधायक थे, लेकिन जब किसी ब्लॉक किसी अन्य कार्य का शिलान्यास के लिए कहते थे तो हम लोगों की एक कल्पना ही रह जाती थी। आज कुछ योगी आदित्यनाथ जी की यह देन है कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहां उन्हें उतार करके तमाम शिलान्यास और उद्घाटन करवा रहे हैं। ऐसे हम सबके संरक्षक और अभिभावक पंत योगी आदित्यनाथ जी आपके बीच में थोड़े ही समय में आने वाले हैं। विकास का दूसरा नाम कुछ योगी आदित्यनाथ जी महाराज। अभी कल हम लोग आजमगढ़ में थे, गोरखपुर लखनऊ और गाजीपुर हाई एक्सप्रेस हाईवे का शिलान्यास हुआ था, उसमें गोरखपुर खजनी और बेलघाट कवरिया घाट होते हुए भी हिस्सा लिए है। ये हम लोगों की एक सपना था, लेकिन आज वो साकार है। आज सभी माता बहनों और मां साथियों से हमारा आग्रह है कि आप लोग सारे भेदभाव को भूल करके पुनः 2019 में पूज्य योगी जी बरकरार है। मोदी सिर्फ इतना ही कहूंगा बाकी पता चलता कि जब घर का मुखिया ईमानदार होता है तो वह परिवार काफी दिनों तक निरंतर प्रगति के रास्ते पर चलता है। लेकिन अगर घर का मुखिया चोर है तो मैं मानता हूं वह घर ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और इसके पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूरे देश को चतुर्भुज सड़कों से जोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया था, किसी पार्टी ने किया था, तो भारतीय जनता पार्टी थी। आज उन्हीं की देन है। ये जो चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही है ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया था, जिसको आज केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में आज जो भी सड़कें आप देख रहे हैं
ये सड़कें जो गोरखपुर से जो आपको नौतनवा को जो जोड़ रही है, आपका जो यहाँ से सहजनवा से चल करके पाली होते हुए ये बिहारे होते हुए जो ये सड़क पीपीगंज होते हुए ये सड़क निकल रही है, ये सब केंद्र सरकार की योजनाओं का देन है। अच्छी सोच के साथ जब कोई सरकार आएगी तभी जाकर के अच्छे कार्य होंगे। आज उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इतिहास की एक गाथा लिखी जा रही है। इतिहास में के पन्नों में यह विकास के जो कार्य हो रहे हैं यह दर्ज होगा। और मैं मानता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में यह प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। जिन्होंने एम्स दिया, फर्टिलाइजर दिया, आपके यहाँ ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ महाराज जी के नाम पे राजकीय डिग्री कॉलेज दिया, स्वर्गीय रमापति यादव जी के नाम पर जिन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज दिया, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के नाम पर जिन्होंने कॉलेज दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर जिन्होंने कॉलेज दिया, और आज भरोइया को नवसृजित ब्लॉक मुख्यालय के रूप में आपको उपहार देने के लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी आपके बीच आए हैं। मैं आपके तरफ से, जनता जनार्दन के तरफ से अपने नेता पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका मैं अभिनंदन करता हूं। इनके लिए अभी कल इतिहास रचा है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने। आजमगढ़ की धरती पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करके एक विराट रैली का आयोजन करके माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की ऐसी विराट रैली या तो मानबेला मैदान और फर्टिलाइजर में हुई थी या तो आजमगढ़ की धरती पर कल संपन्न हुई। आज हमारे और आपके नेता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी एक बड़ा उपहार आपको देने जा रहे हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, दोनों हाथ उठाइए, योगी जी अभी गुजरेंगे, आप नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे का स्वागत है, योगी आदित्यनाथ का स्वागत। भी बनकर चले हम सभी के हृदय, जो आप पधारे हेमंत साहब आसन पर, श्री युक्त जो आप पधारे, हम आज गर्वित, हम आज गर्वित, हृदय है हर्षित, धन्य भाग्य हमारे, कोई दिक्कत नहीं। आज के साथियों में आपकी मान्यता, प्रशासन संवर्ग, समाज की चतुर्थ स्तंभ प्रसारण एवं प्रिंट मीडिया, भारतीय संस्कृति की आधारशिला समस्त ग्राम्य विकास मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वह आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्यमंत्री महोदय। इसी क्रम में मैं माननीय विधायक कैंपियरगंज श्री फतेह बहादुर सिंह से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन रुद्राक्ष के पौधे के द्वारा करें। मैं आयुक्त की इस कड़ी में, मैं जनपद की कड़ी में, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ दीप प्रज्वलन की आकांक्षा के साथ हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो हो सके नव आकांक्षाओं से परिपूर्ण हो सके, यदि हमें आलोकित करें नव धरा पर नव जगत में आगे बढ़ने के लिए कुरीतियों को हटा सके, हमें विश्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। दीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति है। माननीय मुख्यमंत्री भैया योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री ग्राम विकास विभाग, परम सम्मानित महेंद्र सिंह जी, प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय कामेश्वर सिंह जी, विधानसभा में चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो पुल की बात हो, और चाहे वो कैंपियरगंज में शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो डिग्री कॉलेज, चाहे इंटर कॉलेज, मछली गांव क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज बना करके परमपुर योगी जी ने आशीर्वाद देने का काम किया, वहीं सोनौरा में वीर बहादुर सिंह इंटर कॉलेज बना करके वहां की जनता को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया, और लगभग 350 करोड़ की लागत से सड़कों का चौड़ीकरण
और सड़कों का सुंदरीकरण और तमाम नई सड़कों का जाल बिछाने का काम अगर किसी ने किया तो इस 15 महीने में हमारी सरकार और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से कैंपियर लेन में विशाल काम, ऐतिहासिक काम जो आजादी के इन 62-63 वर्षों में नहीं हो पाया वो कार्य इस क्षेत्र में 15 महीने में मात्र हुआ। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में पीपीगंज क्षेत्र में भी कोई बड़ी योजना आने की संभावना है। हम लोग तो चाहते हैं कि पीपीगंज जैसे कैंपियरगंज तहसील बना, पीपीगंज को भी तहसील बना करके वहां की जनता का सम्मान बढ़ाने का काम हम लोग आने वाले समय में करें। निश्चित रूप से यहां ब्लॉक हो गया और जब एक नया तहसील पीपीगंज में बनेगा तो इस क्षेत्र के लोगों का विकास होगा, क्षेत्र के लोगों की तकलीफ दूर होगी और जो हमको जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तमाम चीजों के लिए गोरखपुर सदर जाना पड़ता है, डोमिनगढ़ के लोग जो इधर आसपास के करीब के लोग उनका अगर मुख्यालय तहसील पीपीगंज हो जाएगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास की गति बहुत तेज आगे बढ़ने वाली है। साथियों, मुझे ज्यादा नहीं कहना, मैं अपना पूरा समय माननीय महेंद्र सिंह जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। विषय बहुत से हैं लेकिन केवल हम लोगों का मुद्दा है विकास। आशीर्वाद है मुख्यमंत्री जी का, मार्गदर्शन आशीर्वाद हम सबको, इस क्षेत्र की जनता को तो मिल रहा है, आप सब का भी आशीर्वाद हम सबको मिले इसी विश्वास के साथ पुनः आप सब केवल 8 घंटे 10 घंटे की सूचना में इतनी संख्या में आकर के हम लोगों का सम्मान और आशीर्वाद देने के लिए आपने समय दिया। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ। 3-3 ब्लॉक बन करके यहाँ की जनता को सम्मान देने का काम होने जा रहा है। मैं पुनः केवल एक छोटी सी अपील करूंगा कि आने वाले समय में हमें नौजवानों के रोजगार के बारे में चिंता करनी है। आपने तो की 40,000 नौजवानों के जनता का भी उसमें सहयोग रहे, योगदान रहे। मैं यही इन्हीं बातों के साथ अपनी बाती पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय मारा अनुरोध करूंगी, निवेदन करूंगी हम सभी को अभिसूचित करें माननीय ग्राम विकास मंत्री जी द्वारा अभिभाषण। जिनके मार्गदर्शन में और जिनके नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर, विभिन्न राज्यों का नाम नंबर 1 की श्रेणी में पूरे भारतवर्ष में नाम लिया जा रहा है और आज भरोहिया का जो खंड विकास का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कृपा की है। मैं ग्राम विकास मंत्री होने के नाते ये मेरे विभाग का कार्यक्रम है, इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वैसे तो उत्तर प्रदेश के सभी विभाग बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मुझको गर्व है उनके नेतृत्व में काम करते हुए ग्राम विकास विभाग पूरे उत्तर प्रदेश में काम की जो श्रृंखला खड़ी की है उसमें भारत में नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक ग्राम विकास विभाग के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आदरणीय जनार्दन तिवारी जी जिलाध्यक्ष, आदरणीय कामेश्वर सिंह जी प्रदेश मंत्री, आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, आदरणीय उपेंद्र दत्त शुक्ला जी पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिनका उद्बोधन अभी हम लोग सुन रहे थे, ऐसे हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय माननीय श्री फतेह बहादुर सिंह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर एक नया विकास खंड खोल करके, एक नए विकास खंड का शिलान्यास करके जिस तरीके से आज विकास की एक नई कड़ी जोड़ी है, इसके लिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए, बार बार वंदन करिए। मित्रों, जैसा कि मैं आ रहा था तो सुन रहा था संचालिका यहाँ से बोल रही थी, कह रही थी कि उत्तर और पश्चिम दिशा में एक तरफ से राप्ती जहां डुबोती है इस क्षेत्र को, वहीं पर दूसरी तरफ दक्षिण और पूर्व दिशा में रोहिन नदी से पूरा बाढ़ में क्षेत्र ग्रसित हो जाता है। और जब हमारा जंगल कोडिया ब्लॉक और कंपियरगंज ब्लॉक दोनों ब्लॉक बहुत बड़े थे, इस गांव के लोगों को और इस क्षेत्र की जनता को अगर सुविधा लेनी है तो ब्लॉक तक जाना पड़ता था और ब्लॉक बहुत दूर थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ, उनके आदेश पर, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने कहा कि एक नया ब्लॉक बनना बहुत जरूरी है और उसके तहत
कंपेयरगंज के 9 ग्राम पंचायतें और जंगल कौड़िया की 39 ग्राम पंचायतें मिलाकर के कुल 48 ग्राम पंचायत क्षेत्र को मिलाकर के यह नया ब्लॉक आज इसका शिलान्यास भूमि पूजन आदरणीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा हुआ है। मित्रों, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अब विकास के लिए आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, अब विकास की कोई भी चीज होगी आपको नजदीक मिलेगी, अपने गांव से निकलेंगे और ब्लॉक में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ब्लॉक आपके गांव के बीच में अब बनने जा रहा है और यहां से सारी सुविधाएं आपको करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम सबके संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूँ कि अपने कर कमलों से आज के इस कार्य के गौरव का क्षण है, अभिभूत कर देने वाला क्षण है कि 19 ब्लॉकों से बढ़ करके यह जनपद गोरखपुर 20 ब्लॉकों की श्रृंखला में जाना जाएगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर संरक्षक के रूप में आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य हम सभी को प्राप्त। सुपेंद्र दास शुक्ल जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक श्री संत प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, प्रदेश मंत्री श्री कामेश्वर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया श्री ब्रजेश यादव जी, ब्लॉक प्रमुख कैंपियरगंज श्री बंसीधर जायसवाल जी, चेयरमैन पीपीगंज से गंगा जायसवाल जी, मान्य विधायक से महेंद्र पाल सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री शेषमणि त्रिपाठी जी, रमाकांत निषाद जी, विजय शंकर यादव जी, महेंद्र मिश्रा जी, मधुसूदन मिश्रा जी, मृत्युंजय सिंह जी, पूर्व प्रमुख से गोरख सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी और विजय अभानी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विशेष ग्राम विकास से एनपी सिंह जी, मंडलायुक्त गोरखपुर से अनिल कुमार जी, जिलाधिकारी गोरखपुर और पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित इस क्षेत्र के सभी नागरिक बंधुओं, उपस्थित माताएं और नौजवान साथियों, मैं आप सबको जंगल कौड़िया और कैंपियरगंज से अलग करके पृथक रूप से नवसृजित इस विकास खंड के भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और आप सबके प्रति विकास की प्रक्रिया का हिस्सा हम सब बन सके इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत दिनों से मांग हो रही थी, हम लोगों ने भी तय किया था कि यहाँ पर एक विकास खंड बनना चाहिए। विकास खंड का नामकरण पहले पीपीगंज के नाम से हो रहा था, लेकिन पीपीगंज नगर पंचायत का विस्तारीकरण हो और उसको एक नगर पालिका के रूप में उसको बड़ा स्वरूप दिया जा सके, इस दृष्टि से पीपीगंज में विकास खंड न बना करके देवादिदेव महादेव भगवान पीतेश्वर नाथ मंदिर के इस प्रांगण में भरोइया के नाम पर इस नव सृजित विकास खंड का नाम किया गया है। आप सब जानते हैं, चाहे वे जंगल कौड़िया विकास खंड से जुड़े हुए या कैंपियरगंज विकास खंड से जुड़े हुए जितने भी लोग यहाँ के हैं, सावन के महीने में और शिवरात्रि के दिन वे बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर के पीतेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन करते हैं, मेला लगता है, हजारों की संख्या में श्रद्धालुजन यहाँ पर आकर के अपनी श्रद्धा को निवेदित करते हैं। तो भगवान पीतेश्वर नाथ के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्हीं के नाम पर बसे हुए इस भरोइया गांव में इस नवसृजित विकास खंड का नाम भी भरोइया हो, इस दृष्टि से हमारी सरकार ने निर्णय किया है। मैं इसके लिए प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को
हृदय से साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने इस क्षेत्र की जनता की भावनाओं के अनुरूप यहां पर विकास खंड दिया है और आज उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो रहा है। बहुत बड़ा कार्य हमारे चुने गए जनप्रतिनिधि, चाहे वह ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य गण है, प्रमुख गण है, ये लोग कर सकते हैं। आप सब जानते हैं 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद ग्राम पंचायतों को विकास के लिए बहुत अच्छा धन भारत सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। पैसा सीधे ग्राम पंचायतों में आता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि गांवों में विकास के लिए जो एक सजगता होनी चाहिए थी, जो एक उत्सुकता होनी चाहिए थी, उसको और तेज किए जाने की आवश्यकता है। इसमें इसलिए भी आवश्यकता है जिससे विकास के लिए और भी अतिरिक्त धनराशि आपको प्राप्त हो सके और विकास का आप हिस्सा बन सके। आपकी पहचान, गांवों को दी जाने वाली सुविधा और गांवों को विकास के पथ पर अग्रसर करने से ही बन सकती है। ग्राम्य विकास विभाग ने इस दौरान बहुत अच्छा काम किया, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के अंदर एक वर्ष में 8,85,000 आवास गरीबों को बनाकर के जो कीर्तिमान स्थापित किया है, ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए सचमुच साधुवाद का पात्र है। इस नए सत्र में 2,00,000 आवास फिर से ग्रामीण विकास विभाग बनाने जा रहा है। इस शासन के द्वारा जो इतनी सुविधाएं दी जा रही है, मनरेगा की धनराशि का सही उपयोग हो सके, इसका उपयोग हम गांव के तालाबों के सुंदरीकरण, गांव में जल संचयन के केंद्र और व्यापक वृक्षारोपण के रूप में कर सकते हैं। गांव में जिन लोगों के पास व्यक्तिगत शौचालय नहीं, उन लोगों को व्यक्तिगत शौचालय के लिए धनराशि इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है। गौशालाओं के निर्माण में भी हम मनरेगा की धनराशि का उपयोग कर सकते हैं। और अभी एक नई भारत सरकार के द्वारा घोषणा होने जा रही है, वह है कि कृषि कार्य में मनरेगा की उपयोगिता क्या हो सकती है। खेती के पहले, खेती के दौरान और खेती करते समय मनरेगा को कैसे हम कृषि के साथ जोड़ेंगे, इस पर मंथन चल रहा है और बहुत शीघ्र ये भी जब निर्णय होगा कि किसानों की आय को दोगुना करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो एक उनका सपना ही नहीं, जिसके लिए उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, वह साकार होता हुआ दिखाई देगा। अभी आपने देखा होगा, अभी 10 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के किसानों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसको 50 से लेकर के लगभग 100% तक बढ़ाया है। धान, आप सोचते होंगे धान का जो समर्थन मूल्य विगत वर्ष हमारी सरकार ने आपको 1460 रुपया दिया था, इस वर्ष धान की कीमत आपको 1750 रुपए प्राप्त होगी, यानी सीधे सीधे 300 रुपए, लगभग 300 रुपए की वृद्धि इसमें एक साथ हो गई। और अगर किसानों की लागत का आप देखेंगे तो एक क्विंटल धान पैदा करने में एक किसान को लगभग 1100 रुपए लगते हैं, तो 1100 रुपए की लागत में अगर किसान को 1750 रुपए मिले तो स्वाभाविक रूप से किसान खेती से भागेगा नहीं, खेती किसानी करेगा। इसी प्रकार से मूंग का है, उड़द का है, ज्वार बाजरा का है, कपास का है, अन्य तिलहन संबंधी फसलों का है, सभी पे जो 14 जींस है जिस पर प्रधानमंत्री जी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को काफी बढ़ोतरी की है, ये किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने और किसानों के जीवन को, स्तर को उठाने के लिए, उनके जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि जो घोषणाएं सरकार की होती है उनको ईमानदारी के पूर्वक अपने गांव में जिन लोगों के लिए घोषणा हुई है उन लोगों के लिए उन योजनाओं को पहुंचाना और जागरूकता करने का कार्य जहां हमें करना होगा, वहीं साथ ही साथ हम यह भी सुनिश्चित करें कि पैसा जिस उद्देश्य से आया है,
उस उद्देश्य की पूर्ति तो हम करें ही, लेकिन साथ साथ अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में भी हम अपना योगदान दें। मैं अभी आ रहा था, कई गांव रास्ते में पड़े, मैं देख रहा था कितनी गंदगी है गांवों में। गांव में प्रधान है, पूर्व प्रधान है, अच्छे लोग गांव में रहते हैं, अपने घरों में सफाई करते होंगे, लेकिन अपने घर का पूरा कूड़ा चौराहे पर आप फेंक देंगे तो कोई भी आपके गांव में आएगा क्या संदेश लेकर के जाएगा? संदेश उसका होगा कि गांव गंदा है, स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक नहीं है, लोगों का स्वच्छता के प्रति कोई भी जागरूकता नहीं है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां पर इंसेफ्लाइटिस से, मस्तिष्क ज्वर से, नौ की बीमारी से प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चे असमय मर जाते हो और उसका मूल कारण है गंदगी, वहां पर भी अगर हम स्वच्छता के प्रति जागरूक न हो, मुझे लगता है इस पर भारी प्रश्न हमारी कार्य प्रणाली पर लोग खड़ा करेंगे। और इसलिए मैं यहां पर उपस्थित जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक होंगे, ब्लॉक प्रमुखगण हैं, जिला पंचायत के सदस्यगण हैं, ग्राम प्रधानगण हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यगण हैं, इन सबका आह्वान करूंगा कि स्वच्छता के प्रति विशेष जागरूकता पैदा करके अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। गांव में प्रयास होना चाहिए अधिकाधिक वृक्षारोपण हो। हमारी सरकार ने तय किया है 15 अगस्त के दिन हम पूरे प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करके एक रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। और मैं आह्वान करूंगा इस नव सृजित विकास खंड भरोइया, जंगल कौड़िया और कैंपियरगंज के सभी ग्राम प्रधानों से, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों से, ब्लॉक प्रमुखों से, सबका मैं आह्वान करूंगा कि 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण के तत्काल बाद वे ग्राम पंचायत स्तर पर, सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक वृक्षारोपण के एक अभियान का हिस्सा बनाएं। और वृक्षारोपण सामान्य वृक्ष केवल यूकेलिप्टस या पॉपुलर न लगाए, वृक्षारोपण में पीपल का पेड़ लगाइए, पाकड़ लगाइए, बरगद लगाइए, नीम लगाइए, ये बीजू आम लगाइए। ये बीजू आम जहां लग जाएगा फल देने में 10-15 साल भले ही लगेंगे, लेकिन इस फल को हर एक खा सकता है, गरीब हो अमीर हो हर एक व्यक्ति खा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अपने घर में कलमी आम का पेड़ लगाएगा, दशहरी आम का लगाएगा, वो किसी को खाने नहीं देता है, वो उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी होती है, वह किसी को दोसा छोने नहीं देता है। लेकिन जो सार्वजनिक स्थानों पर आप बीजू आम के बड़े बड़े पेड़ लगाएंगे, इन पेड़ों को सुरक्षित रूप से केवल 4-5 वर्ष तक ऊपर बढ़ने देंगे, जब ये 10-15 वर्ष में फल देने लग जाएंगे, एक तो 50 वर्ष तक ये वृक्ष फल देते हैं, लोगों को छाया भी देते हैं और बिना भेदभाव के हर वर्ग का व्यक्ति इसके फल को ले सकता है, उसको खा सकता है, उसका स्वाद चख सकता है। हमें व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के अभियान के साथ जुड़ना होगा। और मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भी बूथ स्तर पर सुनिश्चित करेगी कि हर बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, हिंदी वाहिनी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, व्यापार मंडल के और अन्य तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के द्वारा भी व्यापक वृक्षारोपण करना, उसकी सुरक्षा करना और प्रयास होना चाहिए कि जो भी वृक्ष हम लगाएं वो सुरक्षित होकर के, बड़ा होकर के पर्यावरण के संतुलन में, पर्यावरण के संरक्षण में, पर्यावरण की सुरक्षा में उसका योगदान हो सके, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। आज व्यापक पैमाने पर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की लाइफलाइन बनने जा रही है। हम लोग उसका एक लिंक गोरखपुर के लिए करने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने बजट में धनराशि की व्यवस्था भी की है। गोरखपुर का दक्षिण अंचल का जो क्षेत्र है, विधायक संत प्रसाद जी का जो क्षेत्र है, 4 लेन की एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा और उसके दोनों ओर व्यापक औद्योगिक गलियारा बनाकर के उद्योग कारखाने लगाए जाएंगे। गोरखपुर में हम लोगों ने पिछले वर्ष पिपराइच में एक चीनी मिल दी, चीनी मिल का कार्य वहां प्रारंभ हो गया है।
2016 में प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना का शिलान्यास किया था, वह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। एम्स का शिलान्यास किया था, एम्स का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गोरखपुर से सुनौली जो मार्ग है, इसके चौड़ीकरण का कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। युद्ध स्तर पर ये सभी कार्य चल रहे हैं और हम लोगों ने औद्योगिक विकास की दृष्टि से जो नया कार्य प्रारंभ करने का तय किया है कि पिपराइच में तो चीनी मिल लग रही है, लेकिन किसान की खेती जब कट जाती है, खेती कटने के बाद उसके खेत में जो पुआली बच जाता है उसको लोग आग लगा देते हैं। आग लगाने से प्रदूषण भी पैदा होता है, आग लगाने से खेत की उर्वरता पर भी असर पड़ता है और किसान को भी कुछ नहीं मिलता है। बदले में किसान समाज को प्रदूषण देता है। हम लोगों ने तय किया है लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से आपका जो धुड़िया पार की चीनी मिल जहां लगी थी वहां पर हम लोग एक नया इथेनॉल 2G इथेनॉल का एक नया प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसमें हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी और किसान को पर टन 500 रुपए अतिरिक्त पुआली का मिलेगा। उसके खेत से पुआल काट करके लोग लेके जाएंगे, किसान को उसका दाम देंगे, यानी आम के आम और गुठली के भी दाम। यह कार्य सरकार करने जा रही है, इस पर हमारी पूरी कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। यानी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके व्यापक रोजगार और नौकरी को विकसित करने के सामने कार्य प्रारंभ हुआ है। आपने देखा होगा अभी विगत दिनों हम लोगों ने पुलिस की भर्ती आगे बढ़ाई है। पुलिस के 42,000 जवान भर्ती होकर के ट्रेनिंग में गए हैं और ट्रेनिंग में भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ है। अभी हम लोग फिर से 50,000 की नई भर्ती फिर निकालने जा रहे हैं। इन भर्तियों में कोई भेदभाव नहीं कर सकता किसी के साथ। जो भी मेरिट के आधार पर आएगा उस नौजवान को अवसर मिलेगा। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ हम उसकी नौकरी के साथ खिलवाड़ करने का कार्य करेंगे। भ्रष्टाचार को कतई किसी भी स्तर पर हम लोग नहीं पनपने देंगे, हम सबका संकल्प है। और इसलिए यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं कि जैसे यहाँ पर प्रदेश सरकार ने बहुत दिनों से मांग चली आ रही थी भरोइया में या पीपीगंज में एक विकास खंड हो, आज विकास खंड का शिलान्यास होकर के बहुत तेजी के साथ एक कार्य आगे बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ पीपीगंज के टाउन एरिया का भी हम विस्तार करेंगे, जिससे विकास तेजी के साथ आगे बढ़ सके। अभी नगर पंचायत है, कम पैसा मिलता है, लेकिन जब उसका विस्तार होगा उस विस्तार के साथ उसके पास पैसा भी अधिक आएगा और आसपास के गांवों का भी बेहतर विकास और शहरी जैसी सुविधाएं उन गांवों के लोगों को मिलनी प्रारंभ होगी। मैंने पिछले दिनों एक बैठक की थी और बैठक का उद्देश्य था पीपीगंज, पिपराई, सैजनवा, चोरी चोरा, बांसगांव, गोला, बड़लगंज, उनवल, जितने भी नगर पंचायत या नगर पालिकाएं हैं, इन सब में जनता को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो। इन नगर पंचायतों में निवास करने वाले वे लोग जिनके पास अपना मकान नहीं, या जो गरीब हैं लेकिन उनका मकान तो है लेकिन वह जर्जर हो चुका है, पुराना खपड़ेल का है या झोपड़ी का है, जमीन है लेकिन जर्जर मकान है, ऐसे परिवारों का चयन करके प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्हें 2.5 लाख रुपए प्रदेश और केंद्र सरकार के रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे लोगों का चयन करके उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जिन लोगों के पास शौचालय नहीं उन्हें 20,000 रुपए शौचालय के लिए उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया। जहां पर पेयजल की व्यवस्था नहीं वहां पर पेयजल की व्यवस्था, चौराहों पर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हो, जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट एलईडी स्ट्रीट लाइट से जगमगा उठे, इस जिससे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं चाहूंगा कि पीपीगंज हो या पिपराइच, सैजनवा हो, उनवल हो या चोरी चोरा, बांसगांव, बड़लगंज, गोला, इन सब में विकास की इस प्रक्रिया को स्वच्छता अभियान के माध्यम से आगे बढ़ा करके इन नगरों में रहने वाले लोगों को जिनके पास आवास नहीं उन्हें आवास उपलब्ध कराना, जिनके पास शौचालय नहीं उनके पास शौचालय उपलब्ध कराना,
जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराना, जहां नाली नहीं वहां नाली बनाने की कार्रवाई करना, जहां सड़क नहीं वहां सड़क का निर्माण करके जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करना, और जहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं है वहां पर LED स्ट्रीट लाइट लगा करके लोगों को अंधेरे में भी, उस जब अंधेरा होता है वहां पर भी वह नगर जगमग लाइट से जगमगा उठे, इस विशेष प्रकार की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए कहा। और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के क्रम में हम लोगों ने विकास खंड पीपीगंज में नहीं बनाया, बल्कि उसके आसपास के गांवों को भी पीपीगंज के साथ जोड़ करके पीपीगंज का विस्तारीकरण होना चाहिए। कब बना होगा पीपीगंज टाउन, और तब से उसका कोई विस्तार नहीं हो पाया, कोई विकास उसका आगे नहीं बढ़ पाया। उस विकास को आगे बढ़ाने की दृष्टि हम लोगों ने पीपीगंज को विस्तारीकरण और उसका बेहतर विकास हो सके इसलिए विकास खंड उससे अलग करके उसको नगर पालिका के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस प्रयास आगे बढ़ाने प्रारंभ किए हैं, और मैं चाहूंगा कि उस प्रक्रिया का हिस्सा आप सब भी बने। मेरा आप सबसे आह्वान होगा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन विकास के साथ साथ हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उस विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए पहले अपने नगर और अपने गांव में स्वच्छता के बेहतर प्रयास करने होंगे, व्यापक वृक्षारोपण करना होगा। पीपीगंज नगर पंचायत के चेयरमैन श्री गंगा प्रसाद जायसवाल जी भी यहां पर हैं, और मैं चाहूंगा कि नगर पंचायत में व्यापक स्वच्छता का अभियान चलाए, कूड़ा निस्तारण सड़क के किनारे कूड़ा न डाले, कहीं दूर जगह लेकर के कूड़े को डंप करें, सड़कों के किनारे न डालें, चौराहे पर कूड़ा न रहने दें, नालियों में कूड़ा न रहने दें, अभियान चलाएं, प्रतिदिन अलग अलग वार्डों में संगठन को साथ लेकर के, पार्षदों को साथ लेकर के व्यापक स्तर पर स्वच्छता के अभियान को पूरे नगर पंचायत में करके, और 15 अगस्त के दिन प्रयास होना चाहिए कि पूरे नगर पंचायत के हर खाली जमीन पर व्यापक वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोग कर सके, हर ग्राम पंचायत में व्यापक वृक्षारोपण का कार्यक्रम बन सके। ये अभियान हमारा अपना होना चाहिए, स्मरणीय बना देगा आपके कार्यक्रम को, लोगों के लिए प्रेरणादायी बना देगा, और उस स्मरणीय और प्रेरणादायी बनाने के लिए ही आपका आह्वान करने के लिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। भाइयों बहनों, यह स्थल भगवान पीतेश्वर नाथ का पवित्र स्थल है, इसका बड़ा महात्म्य है, शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर पीतेश्वरनाथ मंदिर के सुंदरीकरण का भी निर्णय लिया है, इसका जो तालाब है उस तालाब में सीढ़ियों का निर्माण करना, उस पर अच्छे पत्थरों का निर्माण, पत्थरों को लगाना, यहाँ पर बोरिंग करके हर समय वहाँ अच्छा पानी तालाब में रहे इसकी व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित करना, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की बेहतर व्यवस्था करना, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था करना, यहाँ पर धर्मशाला का निर्माण करना, यहाँ पर अन्य कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने की दिशा में एक नया प्रयास भगवान पीतेश्वरनाथ मंदिर के सुंदरीकरण की इस कार्य योजना के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः जब यहाँ पर इस नए विकास खंड का भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, नवगठित इस विकास खंड के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रदेश सरकार के विकास के इस अभियान के साथ हम सब जुड़ करके प्रदेश को और अपने क्षेत्र को विकास की एक नई गति दे सकें। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।